दिस इज नाइन्थ ग्लैंड ओवरीज, है ना. सो ओवरी इज अ नाइन्थ ग्लैंड, टोटल ऑफ 10 वी हैव. सो दिस इज द सेकंड लास्ट ओवरीज. ओवरीज दे आर ऑल्सो एक्टिंग एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड्स, वी नो दैट, है ना. तो एंडोक्राइनस उनका रोल क्या है, एक्सोक्राइनस एज वेल एज एंडोक्राइनस दोनों रोल्स है मैंने बताए थे. बींग अ हेटरोक्राइन ग्लैंड इट एक्ट्स एज बोथ एक्सो एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है. एज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड हमने बोला कि जब भी कोई एक्सोक्राइन की तरह एक्ट करेगा तो वो अपनी सिक्रीशंस को डक्ट्स की मदद से आगे भेजेगा, ऐसा बोला था ना हमने, ऐसे ही है ना. एक्सोक्राइन कौन से होते हैं, डक्टेड ग्लैंड्स, और वो अपनी सिक्रीशंस अपने नियर बाय ऑर्गन में भेजते हैं. जो एंडोक्राइन होते हैं वो डक्ट लेस एक्ट करते हैं, अपनी डक्ट को इस्तेमाल नहीं करते, ब्लड स्ट्रीम में अपनी सिक्रीशंस डालते हैं, और वो जो सिक्रीशंस हैं वो सीधी जाती हैं, टारगेट उसका फार ऑफ होता है, ऐसा हमने पढ़ा, ठीक है. अब यहाँ पे जो हमारी सिक्रीशंस एक्सोक्राइनस, ऐसी कौन सी सिक्रीशंस हैं ओवरी की जो इसको एक्सोक्राइन रोल प्रोवाइड करती है, बताओ, जो डक्ट की मदद से जस्ट नेक्स्ट ऑर्गन में जाएंगी. ओवरी के साथ नेक्स्ट ऑर्गन अटैच कौन सा होता है, पहले ये बताओ. फिलोपियन ट्यूब्स, है ना. ओवरीज देयर अटैच टू द फिलोपियन ट्यूब्स. आप लोगों ने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ये यूटरस है, ये फिलोपियन ट्यूब्स, और यहाँ पे इनफंडिबुलम, ये आपको आगे फर्दर पूरा करवाएंगे इन नेक्स्ट क्लास. एंड दीज आर द ओवरीज. द ओवरीज दे आर हैविंग द नेक्स्ट ऑर्गन एज दिस फिलोपियन ट्यूब. यूजिंग द इनफंडिबुलम दैट आर द डक्ट लाइक स्ट्रक्चर्स, दे विल बी पासिंग ऑन वन स्ट्रक्चर फ्रॉम द ओवरीज टू द फिलोपियन ट्यूब. एंड व्हाट इज दैट स्ट्रक्चर, ओवा, है ना. सो ओवा इज बीइंग गिवन, दिस इज व्हाट, दिस इज ओवा. सो द प्रोडक्शन ऑफ ओवा दैट प्रोवाइड्स इट अ एक्सोक्राइन रोल, ठीक है. दिस इज नॉट अ हार्मोन इवन, ये कोई हार्मोन कोई एंजाइम नहीं है, लेकिन ये क्या है, प्रोडक्शन हो रही है स्ट्रक्चर की, लेकिन इट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड टू द नेक्स्ट ऑर्गन, ठीक है. सो दैट इज बिकॉज ऑफ दिस प्रोडक्शन ऑफ द ओवा और द एग सेल, दिस इज गिविंग राइज टू द ओवरी एक्टिंग एज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड. नाउ कमिंग टू द एंडोक्राइनस रोल, अब इसके एंडोक्राइन रोल की बात करें तो दिस इज शोइंग द सिक्रीशन ऑफ द टू ऑफ द हार्मोन्स. व्हाट आर द टू हार्मोन्स, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. एस्ट्रोजन कई बुक्स में ओ ई से होगा, कई बुक्स में ई से होगा, ओ नहीं होता, बोथ वेज इट इज करेक्ट, ठीक है. सो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, दीज आर द टू हार्मोन्स दैट विच आर सिक्रीटेड बाय द ओवरीज. एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन आर नोन टू गिव द और प्रोवाइड द सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स टू द फीमेल्स, है ना. सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स जो चेंजेस आती हैं दैट सेपरेट्स द मेल्स फ्रॉम द फीमेल्स, दैट आर द सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स एंड दे आर प्रोवाइडेड बाय द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. डन, राइट. एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन दोनों हॉर्मोन्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं. बेसिकली द प्रोजेस्टेरोन ऑल्सो प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल ड्यूरिंग द कंसीव्ड कंडीशंस, दैट इज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. All the various changes that are also maintained and coordinated by the progesterone. Okay, so all these changes, that is the providing of the secondary sexual character or the formation or the production of the ova, along with the menstrual cycle, along with the various changes that are accompanied in the pregnancy. In the females, that are all provided by these two major hormones, estrogen and progesterone, secreted by the ovaries. Getting? Okay. Sometimes in some of the organisms where there are no particular ovaries development takes place, जहाँ ovary की developments नहीं होती हैं, ovaries rudimentary रह जाती हैं, syndromes होते हैं, genetical problems होती हैं, तो जहाँ ovaries rudimentary रह जाती हैं, ovaries develop नहीं हुई हैं अच्छे से, वहाँ पे ये secretions नहीं आएंगी, and hence that kind of a female will be treated as a sterile female, not a fertile female. ठीक है, fertile means which is capable of undergoing the fertility. ठीक है, एंड द स्टेराइल इज द वन दैट इज विच इज नॉट हैविंग द कैपेबिलिटी ऑफ अंडरगोइंग द फर्टिलाइजेशन. डन, ओके. सो दैट इज द ओवरी. बाकी हमने कल इसके बारे में बात की थी कि ओवरी का जो स्ट्रक्चर, पीछे जो लेक्चर दिया था मैंने आपको स्टार्टिंग में, आई गेस उसमें मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर बता दिया था, दैट देयर इज अ जर्मिनल एपिथीलियम एंड दैट इज ऑल्सो प्रोड्यूसिंग द सेल्स, फॉलिकल्स, FSH सिक्रीट होता है, उससे फॉलिकल्स जो है जनरेट होते हैं. ये सारी बात हम पहले कर चुके हैं. Additional to that, this is the structure and the secretions. Done? Okay, right. Now the next is the 10th gland, that is the testis. Now again, testis ke baare mein bhi hum pehle study kar chuke hain. This is the reproductive gland in the case of the males, male human beings. Right. This also acts as both endocrinous as well as exocrinous.
एक्सोक्राइनस सेक्शन इसका भी क्या है, प्रोडक्शन ऑफ द मेल गैमेट्स, और एंडोक्राइनस रोल क्या है, दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ और द सेक्रीशन ऑफ द हार्मोन व्हिच इज टेस्टोस्टेरोन और द एंड्रोजेंस, है ना। सो टेस्टिस का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, दैट हैज द टू ऑफ द स्ट्रक्चर्स, मतलब आपको बनाना नहीं है, जस्ट आपको समझा रही हूं मैं। अगर आप टेस्टिस का क्रॉस सेक्शन देखेंगे, दिस इज अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द टेस्टिस एंड विद इन इट इट इज हैविंग द लोब्यूल्स, द सेमिनिफेरस टिब्यूल्स, इस तरह से, ठीक है। ये ऐसे इसके बीच में लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इन लोब्यूल्स की लाइनिंग जर्मिनल एपिथीलियम की, आपने ओवरी में किया ना कि उस पूरी ओवरी की ही एपिथीलियम जर्मिनल एपिथीलियम के साथ आउटर लाइनिंग थी, यहाँ पे जर्मिनल एपिथीलियम कहाँ पे है, दैट इज लाइनिंग द सेमिनिफेरस टिब्यूल्स, इस तरह, राइट। तो वहां से ओवरी में भी क्या हुआ था, जो आउटर लाइनिंग था जर्मिनल एपिथीलियम का, वही डिफ्रेंशिएट हुआ था ना सेल्स बनाने को, आगे उसने एग ट्यूब बनाया, फिर एग नेस्ट बनाया, फिर फॉलिकल्स बनाई, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी एंड देन द टर्शरी एंड हेंस द मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, जो रप्चर होती है, ओविलेशन हुआ और ओवा बाहर आ गया, ऐसा किया ना हमने पढ़ा, ठीक है, पहले भी पढ़ा था हमने इनिशियल लेक्चर्स में। ऐसे ही यहाँ पे ये जो जर्मिनल एपिथीलियम है, इसके सेमिनिफेरस टिब्यूल्स की, ये प्रोडक्शन में हेल्प करेगी इन द मेल गैमेट्स एज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड। यहाँ इनके आगे, सबके आगे पहले डक्ट्स आती हैं, क्योंकि डक्ट का यूज करेगी ना एज एन एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन होने के नाते इसको डक्ट को यूज करना है, ठीक है। सो यहाँ पे पूरा एक डक्ट्स का चैनल आता है, दैट इज एक नेटवर्क है, विच वी कॉल इट एज द रेटे टेस्टिस, ठीक है। ये यहाँ पे पूरा इस तरह से नेटवर्क है डक्ट्स का, ठीक है। ये डक्ट्स में से जो मेल गेमीट्स यहाँ सेवरल कंडीशन के बाद, सेवरल स्टेजेस के बाद बनेंगे, वो मेल गेमीट्स जाते हैं टुवर्ड्स दिस रेटे टेस्टिस, देन इन टू द एपिडर्मिस एंड बैक फ्रॉम द एपिडर्मिस इन टू द वास डिफरेंस। समझ आया? आप लोगों ने एक इनिशियल स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है, एट्थ क्लास में आपको कराते हैं कुछ इस तरह, आपको कैप लाइक स्ट्रक्चर्स बनवाते हैं वहां पे, और यहाँ से स्पर्म डक्ट बनाते हो, है ना। ऐसा ही सेम स्ट्रक्चर, ये एपिडाइडमिस है, ये एपिडाइडमिस सारा इसको कवर करता है पूरा यहाँ तक, ठीक है, और यहाँ से जनरेट होती है वास डिफरेंस, इस तरह, राइट। सो यूजिंग द डक्ट्स एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह एक्ट करना है, तो इट इज नीडफुल टू यूज द डक्ट्स, एंड डक्ट्स यूज कब हो रही है, व्हेन इट इज अ सेक्रीशन ऑफ द मेल गैमेट्स। मेल गैमेट्स सेक्रीट कहां से हो रहे हैं, कौन से टिश्यू से, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स, गेटिंग डन। अगर मैं इसको क्रॉस सेक्शन, अभी इसका साइड व्यू पे बनाया हमने, अगर मैं इसके टॉप व्यू में बनाऊं तो अभी ये कैसा नजर आएगा, दिस इज द लोब्यूल समथिंग लाइक दिस, है ना, ऐसे है लोब्यूल्स इसके बीच में सारी तरफ, आउटसाइड दिस, यहाँ बाहर जो इसका टिश्यू है, ये सारा बाहर वाला जो टिश्यू है यहाँ पे बीच में, ये सारे टिश्यू में स्पेशल सेल्स यहाँ पे भी प्रेजेंट होते हैं इनके बीच, मतलब सेमिनिफेरस टिब्यूल से बाहर टेस्टिस के स्ट्रक्चर के अंदर, तो ये जो सेल्स हैं बीचों बीच यहाँ पे प्रेजेंट हैं आउटसाइड द सेमिनिफेरस टिब्यूल्स, दीज सेल्स आर कॉल्ड एज इंटरस्टीशियल सेल्स और लेडिक सेल्स। अब ये दूसरी तरह के सेल्स आ गए, एक तो हमारे पास आई सेमिनिफेरस टिब्यूल्स, दिस इज सेमिनिफेरस टिब्यूल्स that which are responsible for the exocrinus role, and the endocrinus role is provided by which cells, Leydig cells, ठीक है। ये Leydig cells की secretion होती है, Leydig cells they are present in the interstitium, so they are also called as interstitial cells, ठीक है। so interstitial cells या Leydig cells जो हैं, they are providing the secretions as in form of what, androgens, है ना? So androgens are being secreted by them, and the secretion of this androgens, that is testosterone, that provides the endocrine action. समझ आया? अब आपसे अगर पूछते हैं कि testis plays an endocrine role, how justify? How you will justify? Not just by saying कि वो androgens secrete करती हैं, testosterone देती हैं, that's it. You will be providing the whole structure. Testis has the structure in which it consists of the two of the major cells, है ना? Two of the major parts you can say. One is the seminiferous tubules or the lobules, and the second is the Leydig cells. The Leydig cells help to secrete the androgens, and hence that is the androgen in the form of the testosterone. ये आपने लिखा था कल, मतलब पहले जब भी लेक्चर में हमने बात की इसके बारे में. So that is testosterone is an androgen, and this testosterone is going to provide what?
सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स अगेन बट इन द मेल्स. एंड्रोजन्स इज अ कंप्लीट सेट ऑफ द हॉर्मोन्स और उनमें हमारा एक मेजर हॉर्मोन है दैट इज अ टेस्टोस्टेरोन. ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ जी क्लियर है, पक्का? एनी डाउट दृष्टि, एनी कंफ्यूजन? हाँ जी हाँ, मतलब ये टेस्टिस का पूरा स्ट्रक्चर है, ऐसा स्ट्रक्चर है पूरा, बीच में उसके ऐसे पार्ट्स बने हैं जो कि स्पेशली सेक्रेटिव हैं फॉर द मेल गैमेट्स. ठीक है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेल गैमेट्स की प्रोडक्शन हो रही है, उसमें भी सेवरल स्टेजेस हैं, वो आप सारी करोगे अपनी ट्वेल्थ में जाके. ठीक है, ट्वेल्थ में आपको पूरा प्रॉपर इसका स्टेजेस फॉर्मेशन बताएंगे, वापस फिर से यही चीजें आप पढ़ेंगे वहां पे भी जाके. बट ये थोड़ा सा इनिशियल आपको जस्ट अ लुक ओवर, ठीक है, कि ये है क्या. हाँ जी क्लियर, डन. सो एंड्रोजन सेक्रीशन इज बाय द स्पेशलाइज्ड लेडिक सेल्स एंड दैट इज इन द फॉर्म ऑफ द टेस्टोस्टेरोन व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स. सो सेक्रेटिंग द हार्मोन इट इज एंडोक्राइन, सेक्रेटिंग द मेल गैमेट्स इट इज अ सॉरी प्रोड्यूसिंग द मेल गैमेट्स इट इज एक्सोक्राइन. नॉट सेक्रेटिंग, सेक्रीशन नहीं है मेल गैमेट्स का, प्रोडक्शन है. ठीक है, हाँ जी क्लियर. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द 10 ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड्स दैट विच वी हैव स्टडीड हेयर. नाउ अपार्ट फ्रॉम दीज एंडोक्राइनस ग्लैंड, स्पेशल 10 ग्लैंड जो हमने हाइपोथैलेमस से लेकर टेस्टिस तक पढ़े, ये सारे तो स्पेशल ग्लैंड हैं जो कि स्पेशल रोल्स में अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं. बट हमारे पास और भी बहुत सारे ऑर्गन हैं, इनके अलावा कितने सारे ऑर्गन हैं, लंग्स, किडनीज, हार्ट, है ना, स्टमक एंड ऑल. तो ये सारे ऑर्गन भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एंडोक्राइनस रोल भी प्ले करते हैं. ठीक है, जो मेजर है हमारे लिए वो ये 10 हमने पढ़ लिए, बट अपार्ट फ्रॉम दिस देर आर अदर बॉडी ऑर्गन that which are also involved in the endocrinous roles. Now, what are those body organs? Give a heading of this. Other body organs which act as endocrinous glands. This is other body organs. Other body organs, for example, number one, jo aap already padh chuke ho, that is the heart. Anji, what hormone is secreted by the heart? ANF, very nice. And ANF helps to do what? Dilation. This acts as a vasodilator and it also helps to reduce or lessen down or lower down the blood pressure. Lower down करेगा ना, क्योंकि blood vessel को उसने open कर दिया. जब वो open हो गया तो blood फटाफट से आगे flow करेगा. मतलब पहले इतना normal अगर area था उसका cross section, तो वो अपनी एक speed से आ रहा था blood और अपनी speed से साथ साथ pressure exert करता हुआ था. लेकिन जब ये डायलेट हो गए ब्लड वेसल्स तो एरिया बढ़ गया, प्रेशर ऑब्वियसली वॉल्स के ऊपर कम हो जाएगा. सो दिस हेल्प्स टू लोअर्स डाउन द ब्लड प्रेशर. ठीक है, राइट, द रोल ऑफ दिस आल्सो हेल्प्स टू लोअर डाउन, क्योंकि यहाँ पे आप डायलेशन का काम नहीं भी करो, क्योंकि डायलेशन स्पेसिफिकली वहां पे हो रही है जहां हमने कंस्ट्रिक्टर लगाया है ना. बट एज सच ANF का रोल क्या आता है? टू लोअर डाउन द ब्लड प्रेशर. ठीक है, so this is one hormone secreting organ other than the endocrine glands. This is otherwise a very important organ of your body but acting as a endocrine as well. Second is kidneys. Kidneys ke sath structure jo associated hai that is of the JGA cells. What is the full form of JGA? Apparatus, very nice. Juxtaglomerular apparatus. Now this JGA cell that also has a special secretion of the hormone as in the form of erythropoietin. This is R, erythro, erythropoietin, E-R-Y, erythro, E-R-Y, okay, this is R, Y, erythropoietin. This erythropoietin is a secretion of the JGA cell apart from having the secretions of the renin and everything, that which is initializing the production of the angiotensinogen and hence the regulation of the blood pressure. Hai na? Uske alawa, this is for the formation of the RBCs. And the process of the formation of the RBCs, we call it as erythropoiesis. That is the formation of RBCs. RBCs का production या formation that is initiated by the hormone called as erythropoietin and it is secreted by JGA cells which is in direct connection with the kidneys. So what is the organ which is concerned? Other body organs पढ़ रहे हो ना,
सो द ऑर्गन विच इज कंसर्न्ड इज किडनी, बट किडनीज में भी स्पेशली वो वाला पोर्शन मेंशन करना पड़ेगा. इट इज नॉट एज अ होल किडनी विच इज एक्टिंग फॉर द सिक्रेशन ऑफ एरिथ्रोपोइटिन. ओके, समझ आया? पूरा किडनी नहीं है, सिर्फ उसके जेजीए सेल्स हैं जो कि स्पेशलाइज्ड है. ठीक है, देन इज द हमारी गैस्ट्रिक गैस्ट्रिक लाइनिंग और द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. नेक्स्ट इज गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट मीन्स means what? Stomach as well as intestine, है ना? पूरा वो tract, digestive system वाला tract. So this gastrointestinal tract that has several secretions, what are those secretions? Number one is gastrin. Gastrin क्या करता है? Gastrin क्या करता है? This helps the stomach to secrete the HCl and the वो जो pepsinogen, जो आपका pepsin का इनएक्टिव फेज होता है. ठीक है, सो दिस हेल्प्स द स्टमक. गैस्ट्रिन नाम है ना, तो गैस्ट्रिन गैस्ट्रिक जूसेस की सिक्रीशंस को अलाउ करता है. ठीक है, गैस्ट्रिक जूसेस दैट इन्वॉल्व्स द सिक्रीशंस ऑफ द स्टमक. फ्रॉम द स्टमक देयर इज एचसीएल अलोंग विद पेप्सिनोजेन. पेप्सिनोजेन इज एन इनएक्टिवेटेड स्टेज ऑफ द पेप्सिन. इनिशियली क्या होता है, पेप्सिनोजेन प्रेजेंट होता है, जैसे एचसीएल सिक्रीट होता है तो दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द पेप्सिन. And pepsin helps to break the proteins, है ना? ये chapter अभी आपको नहीं है, but otherwise this was this you have already studied in the 10th also, है ना? Okay, next is after this there is secretin. Secretin क्या करती है? Second hormone that is secretin. This helps to provide the secretions from the pancreas. Pancreas की secretions में help करता है secretin. मतलब पेनक्रियाज की आगे सिक्रीशन क्या है? पेनक्रियाटिक जूसेस हैं, इंसुलिन ग्लूकागॉन्स हैं. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हमारी जो पेनक्रियाज की सिक्रीशंस हैं वो भी इस हार्मोन के साथ रिलेटेड है. सिक्रेटिन आया तो हार्मोन सिक्रीट होने शुरू हो जाएंगे. ठीक है, क्लियर? स्पेसिफिकली द एक्सोक्राइनस ग्लैंड की जो सिक्रीशन आती है, ये हार्मोन है लेकिन सिक्रीशन ऑफ द एक्सोक्राइन जो कि उसकी फूड डाइजेशन में आती है पेनक्रियाज की, दैट इज इन द पेनक्रियाटिक माइलेज लाइपेज, ये चीजें उनको ऑनसेट कौन करेगा, मतलब उनको स्टार्ट एंड ऑन एंड ऑफ कंडीशंस कौन देगा, दैट इज सिक्रेटिन. इफ द सिक्रीशन ऑफ द पेनक्रियाज इन द फॉर्म ऑफ द सिक्रेटिन इज देयर, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की है ना ये सिक्रीशंस. ठीक है, अगर पेनक्रियाज के लिए ये सिक्रेटिन सिक्रीट हुआ तो वो सारी सिक्रीशंस आनी शुरू हो जाएंगी, अगर ये नहीं होता वो स्टॉप हो जाएंगे. ओके, राइट. सिमिलर इज द अदर दैट इज सी सी के. ये भी पेनक्रियाज को ही अलाउ करता है, बट अलॉन्ग विद दिस बाइल जूसेस की सिक्रीशंस भी देता है फ्रॉम द गॉल ब्लैडर. ठीक है, दैट इज सी सी के फुल फॉर्म इज कोलेसिस्टोकाइनिन. कोलेसिस्टोकाइनिन सी सी के. ओके, कोलेसिस्टोकाइनिन, राइट, के आई एन आई एन. What is the role? हाँ जी, वो पेनक्रियास की secretions को stimulate करने के लिए ना, gastrointestinal tract की ये सारी secretions है as in hormone. हमने ऊपर क्या लिखा था, other body organs acting as endocrine. ठीक है, अब पेनक्रियास की secretion ये intestinal tract दे रहा है. Tract ने secretion दिया secretin का और secretin का signal पहुंचा pancreas के पास, pancreas ने अपनी secretions दे दी. ठीक है, ऐसे ही जब ये gastrin का secretion आया intestinal tract से आया, मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल यानी स्टमक से लेके इंटेस्टाइन तक, तो वो जब सिक्रीशन दिया गैस्ट्रिन की फॉर्म में, गैस्ट्रिन ने जाके स्टिमुलेट किसको किया, स्टमक को, फॉर द सिक्रीशन दैट इज एचसीएल एंड पेप्सिनोजेन. ठीक है, सो ये जो हम लिख रहे हैं ये हार्मोन की तरह एक्ट कर, वो जो हम लिख रहे हैं वो एक्सोक्राइन सिक्रीशन. ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि ये एंडोक्राइन रोल भी प्ले करते हैं, ये हॉर्मोन्स की मदद से वो अपने एक्सोक्राइनस सिक्रीशन को बना पाएंगे. समझ आए? ठीक है, सो कोलेसिस्टोकाइनिन ऑल्सो हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग द सिक्रीशंस फ्रॉम द पेनक्रियास एज वेल एज गॉल ब्लैडर इन द फॉर्म ऑफ बाइल जूसेस एंड द पेनक्रियाटिक जूसेस. ठीक है, सो यहां से क्या सिक्रीट होना है ये तो आपको पता होना चाहिए ना,
gall bladder, pancreas, these are involved in what kind of the secretions? Similar is stomach in the secretion of gastric juices, है ना? तो pancreas और gall bladder से pancreatic as well as bile juice, okay? ठीक है. Now these are all the secretions which are promoting the secretions in the exocrine form. ऐसा भी तो कुछ होना चाहिए जो कि इसको रोकेगा, है कि नहीं? हर समय हमारी जो gall bladder की bile juice secretion है वो चलती रहे, हर समय ही हमारी pancreatic secretion चलती रहे, भले ही आप 4 दिन के फास्ट पे हो तब भी चलती रहे, तो वो तो वेस्टेज जा रही है ना. सो समथिंग इज देयर विच इज इनिशियली सिग्नलाइज्ड टू स्टॉप दीज सेक्रीशंस एज वेल, एंड दैट इज द जीआईपी. इट इज द जीआईपी दैट हैज अ स्पेशल रोल इन प्रोवाइडिंग द इनहिबिशन. ओके, सो दिस इज गैस्ट्रिक इनहिबिटरी This is GIP is gastric inhibitory proteins, I guess. Proteins. ये P से चेक करना क्या है? GIP. Gastric inhibitory proteins. Okay, I'll check that. P stands for what? I'll check. So this is also proteins are actually the enzymes only. All the enzymes are proteins, but all the proteins are not enzymes. ये चीज हम पढ़ते हैं, ठीक है? So here the proteins they are acting as the enzymes only. Still I'll check what this P is for. This is gastric inhibitory, ठीक है? अब ये inhibitory actions दे रही है, यहाँ peptide होगा, यहाँ proteins होगा, कुछ ऐसा ही है. तो ये क्या है? This is providing the inhibitory action. Inhibitory means रोकने वाला action. मतलब क्या है कि इन चीजों को अब secretion रोकना भी है, pancreas को, stomach को, या gallbladder को, इनको अपना secretion रोकना है, ठीक है? तो रोकने के लिए हमारी intestinal tract क्या करती है? GIP secrete करती है, ठीक है? इनहिबिटरी प्रोटीन सिक्रीट करती हैं जिनसे बाकी सारी सिक्रीशन जो हैं वो रुक जाएंगी फॉर द टाइम बीइंग व्हेन देयर इज नो फूड टू बी डाइजेस्टेड. क्योंकि इन सबका एक्शन कहाँ पे हो रहा है? हमारे फूड पे, है ना? ऐसा तो है नहीं कि हमने कल्ला खाना खाया, चपाती खाई और हमने फैट नहीं खाया कुछ भी उसके अंदर, तो हमारी सिक्रीशन ऑफ कल्ली फैट को डाइजेस्ट करने वाली सिक्रीशन जो है वो रुक जाएगी. ऐसा तो नहीं होगा. फैटनेस प्रोडक्ट्स अदरवाइज कुछ ना कुछ तो है ही है बीच में. ऑयल्स वगैरह भी जो तुम खाते हो वो भी हमारे फैटी प्रोडक्ट्स हैं, उनको भी कहीं ना कहीं डाइजेशन चाहिए, है ना? सो ऑल दीज प्रोसेसेस आर टू बी कंटिन्यूड इन अ सेम वाइल, मतलब इकट्ठे ही चलते हैं, बस उनको चलाने के लिए सिक्रीशन के नाम अलग अलग, मतलब वो सिक्रीशन अलग अलग आ गए, समझ आए? सो अपार्ट फ्रॉम द अदर 10 organs, दीज आर द 3 organs, ये जो 3 हमने किए, दैट इज 1 heart, 2 kidney, 3rd ये gastrointestinal tract, दीज आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग द रोल्स ऑफ सिक्रीटिंग सर्टन हॉर्मोन्स विच ऑल्सो इनिशियट्स द and exocrinous role of the glands. Done, right? So this was all about the secretions which are provided by the by the various of the glands or the organs in your body. Now there is one last question, that is how this actually acts. Mechanism kya hai? Mechanism of the enzyme action ya mechanism of the hormonal action? Mechanism involve kya hota hai beech mein? Kis tarah se ye action deta hai? कैसे ये रिसीव होता है? वैसे इसके बारे में हम बात कर चुके हैं पहले, बट स्टिल यू विल बी रीडिंग इट थ्रू योर एनसीईआरटी आल्सो बट अदर बुक्स आल्सो. सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ हार्मोनल एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोनल एक्शन. हार्मोन का एक्शन का मैकेनिज्म क्या है? किस तरह से कोई हार्मोन एक्ट करता है और किस तरह से वो इनिशिएट करता है चेंजेस विद इन द बॉडी? इट इज सिंपल, हम पहले बात कर चुके हैं, दैट इज एवरी ऑर्गन दैट हैज सर्टन रिसेप्टर साइट, है ना? याद है मैंने सबसे पहले साइनैप्स करवाया था जब भी आपको, तो वहां पे भी मैंने बोला था कि देयर आर सर्टन रिसेप्टर्स, कीमो रिसेप्टर्स, है ना, दैट विच आर एक्चुअली अलाउइंग द रिसेप्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर जो भी ग्लैंड है, जो भी सॉरी सिक्रीशन है, उसकी रिसीविंग के लिए स्पेशल रिसेप्टर्स जो है बीच में लगे पड़े रहते हैं. सो लेट्स से दिस इज द रिसेप्टर साइट, ठीक है? दिस साइट इज एक्टिंग एज अ रिसेप्टर साइट ऑन एनी ऑर्गन से ओवरीज, ठीक है? ये ओवरीज हैं, ओवरी का क्रॉस सेक्शन है, ओवेरियन वॉल है, ओवेरियन वॉल के ऊपर रिसेप्टर्स आ गए, रिसेप्टर्स उसके ऊपर जगह जगह लगे पड़े होंगे. नाउ व्हाट इज द हार्मोन व्हिच इज टू बी रिसीव्ड बाय दिस ओवरी? विच हार्मोन? देखो पिट्यूटरी ने सिक्रीट किया, उसे कितने सारे सिक्रीशंस दे दिए, TSH का दे दिया, MSH का दिया, TSH, MSH, FSH, LH, कितना कुछ दिया,
है ना, यहाँ बाकी भी ACTH वगैरह आप लोगों ने पढ़े, और भी वैसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन, सारी चीजें दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं रोज का हमारा रोल है। अब किस ऑर्गन को कैसे पता चलेगा कि अब ये मेरा हार्मोन है और मेरे को इसको रिस्पॉन्ड करना है ना। FSH का सिक्रीशन आया इन द ब्लड स्ट्रीम है, वो सारे के सारे जो सिक्रीशन है, हॉर्मोन्स हैं, वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर है। ब्लड स्ट्रीम से होते हुए वो पूरी बॉडी के साथ साथ चल रहे हैं, मतलब पूरी बॉडी के अंदर घूम रहे हैं, है ना। जो भी ऑर्गन उसके लिए रिसेप्टिव होगा, सिर्फ वही ऑर्गन अपने हार्मोन को पकड़ेगा। सो रिसेप्टर्स के लिए स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब दे आर ऑलवेज स्पेसिफिक टू व्हाट दे हैव टू रिसीव। ओके, मतलब इसमें अगर मैं एग्जांपल लूं, लेट्स से ये हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स बना रही हूं मैं, ऐसे नहीं होते वैसे, ठीक है। लेट्स से इन द ब्लड स्ट्रीम दिस वाज द FSH मॉलिक्यूल, दिस वाज द मॉलिक्यूल ऑफ लेट्स से वैसोप्रेसिन, ठीक है। ऐसे ही कुछ और हमारे पास हॉर्मोन्स हैं, कुछ भी हॉर्मोन्स हैं, जो जो भी GH हो गया, FSH है, LH है, ये सारे, ठीक है। सो दिस इज लेट्स से GH है। अब ब्लड स्ट्रीम से होते हुए ये सारे आ रहे हैं, व्हेन दे आर कमिंग अक्रॉस द रिसेप्टर्स, व्हिच ऑफ दीज विल बी रिसीव्ड बाय दिस FSH, व्हाई? बिकॉज इट सूट्स द बेस्ट, है ना। दीज आर हैविंग द स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स, ये सारे इसमें नहीं अटैच हो पाएंगे, नहीं अपनी कॉम्पोजिशन दे पाएंगे। जैसे ही ये FSH आके यहाँ पे अटैच हुआ, यानी इसके बीच में फिट हुआ, FSH रिसीव हो गया, रिसेप्टर आ गया, साथ ही यहाँ पे सिग्नल जनरेट होने शुरू हो जाते, मतलब रिस्पॉन्सेज, सॉरी रिस्पॉन्स, ये तो सिग्नल आया ना एक, तो दिस स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग द रिस्पॉन्सेस, दिस विल बी स्टार्टिंग प्रोड्यूसिंग द रिस्पॉन्सेस। द रिस्पॉन्स सो प्रोड्यूस्ड विल इनिशियलाइज द अदर साइक्लिक चेंजेस विद इन द ऑर्गन। अब ये ऑर्गन है, ये पूरा ओवरी है ना, ओवरी के अंदर रिस्पॉन्स जनरेट होना शुरू हो गया। रिस्पॉन्स, पहला जो रिस्पॉन्स होता है वो यूजली एनर्जी लिंक्ड होता है, ठीक है, एनर्जी की फॉर्मेशन या फिर जो डायकेटाइनिक आयंस हैं उनकी फॉर्मेशन, उनकी यूटिलाइजेशन, उसके लिंक्ड हमारे पास पहला रिस्पॉन्स हमेशा जनरेट होता है, ठीक है। साइक्लिक AMP हो गया, या फिर हमारे पास GTP हो गया, ATP हो गया, ये सारी चेंजेस यहाँ पे आएंगे, राइट। This initializes the changes in the biochemical level. पहले इसके अंदर जो chemicals में, यानी कि हमारे molecular level पे changes आएंगे। जैसे ये energy इकट्ठी हो गई for the further changes, इसने next response क्या किया? Biochemical changes लेके आए। Biochemical changes यानी कि अंदर के chemicals में changes आए, और chemicals की changes की वजह से कौन से changes आए? Structural changes, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल चेंजेस को हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल चेंजेस, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द फिजियोलॉजिकल चेंजेस। गॉट इट? क्या हुआ? ब्लड स्ट्रीम से सारे हॉर्मोन्स आए, वो हॉर्मोन्स, हर ऑर्गन अपने स्पेसिफिक हॉर्मोन्स को पकड़े, जब रिसीव हो गया तब इसने रिस्पॉन्स जनरेट करना। पहला रिस्पॉन्स क्या आएगा? उसके अंदर एनर्जी चेंजेस आनी शुरू हो जाएंगे, क्योंकि एनर्जी चाहिए, इतने सारे चेंजेस लेके आने हैं। अब वो एनर्जी इकट्ठी हो गई, फिर उसने बायोकेमिकली इसको पहले चेंज करना है, उसके अंदर के सारे केमिकल्स को अल्टर करना, जो स्ट्रक्चरल चेंजेस चाहिए उनके लिए स्पेशल केमिकल्स चाहिए होते फिर, ठीक है। तो पहले बायोकेमिकल चेंजेस लगाई, फॉलोड बाय द फिजियोलॉजिकल चेंजेस। अब यहाँ पे फिजियोलॉजिकल चेंज क्या आएगा ओवरी के अंदर? FSH का रिस्पॉन्स क्या होता है? सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर तो उसका होता है ना, एस्ट्रोजन वगैरह जो ये सिक्रीट करेंगे, तो फॉलिकल्स डेवलपमेंट, है ना। तो दैट इज द चेंज, मतलब अब इसकी जो ओवरी है, फिजियोलॉजिकल चेंज क्या आया कि ओवरीज को इनिशियलाइज हो गया कि नाउ देयर जर्मिनल एपिथेलियम विल बी फर्दर लीडिंग टू द डिफरेंशिएशन एंड हेंस द फॉर्मेशन ऑफ द फॉलिकल्स। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन है ना, तो फॉलिकल्स बनाने में ये फिजियोलॉजिकल चेंज लेके आया। ऐसे ही हमारे आगे भी चेंजेस होते हैं, सारे ऑर्गन्स में, कुछ भी ऑर्गन्स हैं, वहां जहां इनका स्पेसिफिक हार्मोन आएगा, स्पेसिफिक साइट होगा, वहीं पर रिसीव होंगे एंड फर्दर रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे। डन। सो देयर इज लास्ट एक और इसमें दिया हुआ है आपकी बुक में, यू कैन जस्ट रीड एंड गो थ्रू, दैट इज फ्रॉम द रिस्पॉन्स ऑफ द यूट्रस, ठीक है। यूट्रस का रिस्पॉन्स दिया हुआ है, वो एक बार पढ़ लेना, हाउ इट इज ऑल्सो जनरेटिंग द रिस्पॉन्स। नहीं कुछ समझ आता, देन आई विल एक्सप्लेन, एंड दिस चैप्टर इज ओवर देन। ओके, from tomorrow we'll start a new one. Thank you so much. Anyone having any doubts?